हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सब जानती है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में। गाइस, स्किन केयर करने से जो हमारी स्किन है बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है, प्लम्प रहती है, प्लस हमारे स्किन में अगर कोई भी डर्ट है या डेड स्किन है उसको भी रिमूव करती है। स्किन केयर हमारी स्किन को ही हेल्दी नहीं रखती है। अगर हम डेली बेसिस पे स्किन केयर करते हैं तो हम जो मेकअप करते हैं वो भी बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा, क्योंकि हमारी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ग्लोई रहेगी। डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से हमारी स्किन हेल्दी तो रहती है, प्लस हम जो मेकअप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, फ्लॉलेस दिखता है, क्योंकि हमारी स्किन अंदर से बहुत ही अच्छे से हील हो रही है, उसको बहुत ही अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड हो रहा है, प्लस वो अंदर से हेल्दी है, इसीलिए जब हम मेकअप करेंगे तो हमारी स्किन हमारी बाहर से भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगेगी। सो गाइस, आज मैं जो स्किन केयर रूटीन लेकर आई हूँ उसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्लस बहुत ही इफेक्टिव है। अंडर 200 में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं कैसे की जाती है डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर रूटीन। तो गाइस, मैंने जस्ट अभी शावर लिया है और मैंने अपना फेस गुड वाइब्स आर्गन फोमिंग फेस वॉश से वॉश किया है। ये मैंने purple.com से वनीति का परचेज किया था। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर। ये टोनर बहुत ही अच्छा और इस पर बहुत ही अच्छी एक फ्रेगनेंस है। ये आपके पीएच लेवल को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करती है, प्लस आपके स्किन को हाइड्रेट रखती है। इसको भी मैंने 150 में परचेज किया था purple.com से ही। उसके बाद बारी आती है हमारे सीरम की और मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम ले रही हूँ। इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में फुल रिव्यू किया हुआ है इस सीरम के बारे में। ये कितना आपके फेस को सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है, प्लस एक इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करती है आपको, आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देती है और एक ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करती है। और ये आई थिंक मैंने 170 या 200 के आसपास ही परचेज किया था। उसके बाद हमारा मॉइस्चराइज़र जो कि है लैक्मे पीच मिल्क क्रीम, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, खुल ही नहीं रहा था मुझसे। ये 99 rupees का है और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है ये। आप चाहे तो नीविया का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बट मैंने यहाँ पे यही यूज़ किया है, मैं काफ़ी दिनों से यही यूज़ कर रही हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा शाइन और बहुत ही अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ये क्रीम, देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट बना देती है आपकी स्किन को। यहीं तक आपका स्किन केयर रूटीन है, बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। मैं यहाँ पे लैक्मे का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, SPF 30, कम से कम SPF 30 ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी स्किन सन की यूवी रेज से बच सके, उसे डैमेज ना हो कुछ भी। और अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो आधे घंटे पहले ही आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए आपके फेस पे, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है ये भी। कभी भी सनस्क्रीन को मत स्किप कीजिएगा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। उसके बाद आता है हमारा लिप बाम, ये हिमालया का लिप बाम है, ये आई थिंक 35 rupees का है और बहुत ही अच्छा लिप बाम है। एकदम कम प्राइस पे आपको बहुत ही अच्छा लिप बाम मिलता है, ये आपके लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। एंड दैट्स इट। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।